नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हम एमपी बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 परिवार एवं समाज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, परिवार की इकाई क्या है? उत्तर देखेंगे, व्यक्ति परिवार की इकाई है, व्यक्ति परिवार की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, समाज में व्यक्ति अपनी पहचान कैसे बनाता है? उत्तर देखेंगे, समाज में रहकर व्यक्ति राजनेता, धर्म प्रचारक, शिक्षक, डॉक्टर, जज, कृषक, श्रमिक आदि पदों पर रहकर विभिन्न कार्य करता है और समाज में अपनी पहचान बनाता है। दोस्तों, समाज में व्यक्ति अपनी पहचान इन पदों पर रहकर अलग अलग पदों पर अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है, बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना गया है? बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना गया? उत्तर देखेंगे, बच्चे को प्रथम शिक्षा परिवार में माता से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, बच्चे को प्रथम शिक्षा परिवार में माता से ही प्राप्त होती है, इसलिए माता को प्रथम गुरु माना गया है। दोस्तों, बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना गया है? तो बच्चे का प्रथम गुरु माता को ही माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? दोस्तों, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखे। आप अपनी नोटबुक में इस जितने भी सदस्य हैं उनके कितने हैं वो लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। एकल परिवार और संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? आपका परिवार आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएँ पूरी करता है? सूची बनाइए। दोस्तों, देखेंगे हम उत्तर। जिस परिवार में पति पत्नी व पुत्र पुत्रियां होते हैं वे एकल परिवार कहलाते हैं। जिस परिवार में माता पिता और पुत्र पुत्रियां होते हैं वो एकल परिवार कहलाते हैं, पति पत्नी। जबकि संयुक्त परिवार में पति पत्नी पुत्र पुत्रियों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी शामिल होते हैं। परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें प्रमुख है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या आवश्यकता है मूलभूत? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कैसे बनता है? आप समाज की किन बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं? तो उत्तर देखेंगे, समाज शास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। कई परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह परिवार और समाज दोनों से जुड़कर रहता है। हम समाज की कम आयु में विवाह, अधिक बच्चों का जन्म, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना जैसी बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने शिशुओं की जिम्मेदारी माता और पिता सहज रूप से स्वीकार करते हैं। छोटे परिवारों को आदर्श परिवार माना गया है। परिवार की इकाई व्यक्ति होती है तो व्यक्ति। समाज की इकाई क्या होता है? परिवार। परिवार समाज की इकाई होता है और परिवार की इकाई व्यक्ति होता है।
ठीक है दोस्तों।